यह औरत जो एक पहले साल मर गई, उसके ताबूत में एक बच्चा मिलता है, लेकिन आदमी बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन महिला बच्चे को पकड़ती है और जाने नहीं देती। वो आदमी रोने लगता है और औरत से विनती करता है कि मुझे बच्चे की देखभाल करने दो और आप शांति से आराम करो। और यह आश्चर्यजनक है कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया तो लड़की ने बच्चा उसे दे दिया और फिर वो आदमी बच्चे को गोद में लेकर रोने लगता है। लेकिन यह महिला जो एक साल पहले मर गई थी, वो अचानक से रोने लगती है, जिसे देख सभी ग्रामीण दंग रह जाते हैं। यह सब कुछ एक रात पहले से शुरू हुआ था। यह चाचा उस रात उठकर सुबह बिकने वाला दलिया तैयार करते हैं। अचानक यह महिला दरवाजे पर दिखाई देती है और दलिया खरीदती है, लेकिन चाचा उससे कहता है कि वो बहुत जल्दी आ गई है और उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। लेकिन वो महिला दलिया खरीदना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चाचा उसे थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने को कहता है। और इस प्रकार चाचा स्त्री के लिए दलिया बनाकर उसे बेच देता है और महिला वहाँ से चली जाती है। लेकिन चाचा थोड़े चिंतित होते हैं, आधी रात में बाहर की महिला कितनी खतरनाक है। इस दौरान बड़ी बहन भी जाग जाती है और पूछती है कि वो अभी कौन थी, लेकिन चाचा उसे कहता है कि वो मेहमान थी। फिर कुछ समय बाद वह टेबल और कुर्सियां लगाते हैं और खोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बड़ी बहन अपनी कमाई गिनती है तो कटोरे में एक कंकड़ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने भाई से पूछती है कि इसे कौन दे गया है। लेकिन भाई भी इसे देखकर हैरान होता है, लेकिन चाचा सोचता है कि हो सकता है कोई इसे कटोरे में फेंक गया होगा। लेकिन चाची पैसे गिनती है और पाती है कि कटोरी में पैसे कम है। बड़ी बहन ने अंकल से कहा कि भविष्य में पैसे जमा करते समय सावधानी बरतें, और फिर वो बाजार चली जाती है और रास्ते में वो दो निवासियों से मिलती है और उस कंकड़ के बारे में बात करती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि पता नहीं कौन इतना बुरा है जो दलिया पीने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल पैसे के रूप में करता है। लेकिन दोनों पड़ोसी उससे कहते हैं कि एक ही गांव में रहने वाले इस बारे जानते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकता। आप हर रोज दिन में दलिया बेचते हैं, जरूर ऐसा हो सकता है कि कोई आधी रात को आया हो। और यह सुनकर बड़ी बहन बहुत डर जाती है और पड़ोसियों ने उसे रात में सावधान रहने की सलाह दी और वो वहाँ से चले जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से अगली रात महिला वास्तव में इसे फिर से दलिया खरीदने आती है। अंकल इस बार ध्यान से देखते हैं और असली चांदी होने की पुष्टि करते हैं। लेकिन जब वो महिला के लिए दलिया लाने जा रहा था तो अचानक बाहर खड़ी महिला गायब हो जाती है और वो बाहर आने के बाद उस महिला को बुलाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इससे आदमी कोई बहुत अजीब महसूस होता है। इससे भी अजीब बात यह है कि आगामी सुबह बड़ी बहन फिर से पैसे गिनती है और कटोरी में फिर से चांदी की जगह पत्थर मिलता है और आदमी बहुत हैरान होता है। और बड़ी बहन को याद आता है कि उसके पड़ोसी ने कल उससे क्या कहा था और उसे लगता है कि यह कुछ अशुद्ध है और बुरा है। और वह तंग आकर एक आदमी को बुलाते हैं जो घर में पूजा करता है और मंत्र बोलकर जगह को शुद्ध करता है। और पुजारी पूजा के बाद उन्हें बताता है कि उन्होंने सच में एक आत्मा को देखा है जो हर रात को यहाँ आती है और निश्चित रूप से वो आज रात भी वापस आएगी। और वो दोनों इतने डरे हुए थे कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन चाचा ने कहा कि यह भूत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि दुनिया में बस उसकी एक अधूरी ख्वाहिश है। इसलिए अगर आज रात वो उससे मिलते हैं तो उसके पास जो कुछ भी है आप उसे संतुष्ट करने के लिए उसे रख लें। निश्चित रूप से महिला आधी रात को दलिया खरीदने आती है, लेकिन चाचा डर से कांप रहे हैं और कटोरी में दलिया लगभग गिरने वाला था, लेकिन महिला उसे लेती है और चली जाती है। इसे अपनी आँखों से देखने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कि यह महिला कहाँ जा रही है। इसलिए वो हिम्मत करके चुपचाप उस महिला के पीछे पीछे चलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन महिला को उन दोनों का पता लग जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती है और उन्हें सीधे अपनी कब्र के पास ले जाती है, फिर अचानक गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन इस समय कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो डर कर पीछे मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ कर भाग जाते हैं। अगली सुबह वो तुरंत मामले की रिपोर्ट करने के लिए सरकार के पास जाते हैं, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता और इसे बकवास कहते हैं। अगर किसी बच्चे को कब्र में दफनाया जाता है मतलब वो मर चुका है और अपना दम तोड़ चुका है। लेकिन वो उनसे विनती करते हैं और बताते हैं कि कल रात उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। इस समय पक्ष के यमन कहता है कि उस बच्चे और मृत महिला का एक पति है। एक साल पहले महिला को बच्चा होने वाला था और पति उसकी बहुत देखभाल करता था और वो थक कर एक जगह जाते हैं, लेकिन अचानक पत्नी बीमार हो जाती है और महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और उसका पति उसे वापस गांव ले जाकर दफना देता है। उस आदमी की बात सुनने के बाद पति को तुरंत बुलाया जाता है और उसके पति से पूछा जाता है कि क्या बात है, और इस स्थिति को समझने के लिए आदमी को ढूंढा जाता है। और आदमी बहुत हैरान होता है क्योंकि कल रात ही उसने एक सपना देखा था जिसमें उसने एक औरत को एक बच्चे के साथ देखा था जो उस आदमी को उसके बच्चे की देखभाल करने को कह रही थी। और यह जागने के बाद आदमी बहुत हैरान होता है और उनसे बात करता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अंत में आदमी कब्र पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और फिर कब्र को खोला जाता है और बच्चे को उठा लिया जाता है और अपने बच्चे को देखकर आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन पत्नी की आंखों से पानी निकालने लगता है और पति भी रोने लगता है।
और सबको लगता है कि चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन पति को इस रात की उम्मीद नहीं थी। आदमी बच्चे को सुला रहा होता है और धीरे धीरे पत्नी का भूत अचानक प्रकट होता है और वो बच्चे को चूमती है और धीरे से रजाई से ढंक देती है। आदमी अचानक उठ जाता है और अपनी पत्नी को भूत के रूप में देखता है और आदमी उससे कहता है कि वो उसे बहुत याद करता है। पत्नी भी रोने लगती है और कहती है कि आपको हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, और यह कहकर वह चली जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। पलक झपकते ही हाई स्कूल का 8वां साल आता है। महिला भूत की बच्ची भी एक बड़ी लड़की बन जाती है जो बहुत ही सुंदर और अच्छी है। फिर एक दिन वो गुस्से में कुछ ढूंढती है और उसे दो भूत दिखाई देते हैं और उसके अपमान के बारे में बात करते हैं, और लड़की बहुत दुखी होती है और आगे बढ़ती है और उनसे बात करती है और भूत उसकी मदद करने को कहते हैं, जिसे सुनकर लड़की बहुत खुश होती है और वो एक जगह रुकती है और किसी को देखती है। लेकिन तभी ग्रामीण गैंग उसे अकेले खुद से बात करते दिखाता है और कहते हैं कि ताबूत में पैदा हुई बच्ची सच में नहीं जानती कि वो सच में एक ताबूत में पैदा हुई थी। यह बात करने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है और बताती है कि वो ऐसी चीजें देख सकती है जो कि आम लोगों को नहीं दिखती। वो यह सब अपने पिता को बताती है जिससे वो घबरा जाते हैं, इसलिए वो उसे अपने पिता और अपनी माँ के बारे में बताता है। यह सुनकर सत्सुकी रो पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। यह पता चला कि उसकी माँ बहुत अच्छी थी और उसे ताबूत में ही पाल रही थी। यह कहकर वो रोने लगता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी उसकी मदद कर सकती है। और वो सब सरकार के पास जाते हैं और वो अपनी बात रखती है और उसे पहचान लेते हैं, और सभी ने यह भी कहा कि उसके कंधों पर खरोंच के निशान हैं। तभी सरकार ने उससे अपने कपड़े उतारने और देखने के लिए कहा कि वो सही है, और सभी को घर से सबूत मिलते हैं। उसे मौत की सजा देने के लिए वयस्कों में गवाह और भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं, लेकिन यह आदमी फिर भी मानने से इनकार करता है और यह उस महिला भूत को परेशान करता है जिसे उसके द्वारा पीटा गया था। और आदमी उस भूत को देखकर बहुत डर जाता है और आनन फानन में अपने गुनाह कबूल कर लेता है। अंत में उसे सरकार द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और पति को मौके पर छोड़ा जाता है, और पति बहुत खुश होता है और चीजें हल हो जाती हैं। महिला भूत अपनी बेटी की मदद के लिए बहुत आभारी है और बेटी उससे बात करती है, और अंत में महिला खुशी खुशी धरती छोड़ देती है और बेटी भी बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो पीछे देखती है कि अंगिनत दौड़ती हुई आत्माएं अपनी शिकायतों का बदला लेने में मदद करने के लिए लड़की की तलाश करती हैं, और लड़की उन अन्यायी भूतों की मदद करती है और असली कातिल को खोजने के लिए विभिन्न शिकायतों से निपटती है और एक प्रसिद्ध राजनीतिक वकील बन जाती है।